वेलकम टू सिलेक्शन IQ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा रामदेव के ऊपर हो सकता है देशद्रोह का केस, साथ ही बात करेंगे देशद्रोह IPC की कौन सी धारा में है और सबसे पहले यह कब लगाया गया और कब महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर भी देशद्रोह का मुकदमा हो चुका है। सो यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आइए में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांग की है कि बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए क्योंकि उन्होंने कोरोना टीका को लेकर भ्रामक और गलत बयान दिए हैं। उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों को लेकर भी ऐसे बयान दिए हैं जो सही नहीं हैं। योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब बाबा ने एलोपैथी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी कितने ही डॉक्टर और ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसे लेकर डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताते हुए देश के PM को इस बारे में लेटर लिखकर बाबा के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। IMA की स्थापना 1928 में हुई थी और प्रेसिडेंट डॉक्टर जयालाल हैं। IMA उत्तराखंड ने 1,000 करोड़ की मानहानि की मांग भी की है। अब बात करते हैं देशद्रोह का कानून कब बना। देशद्रोह पर कोई भी कानून 1859 तक नहीं था। इसे 1860 में बनाया गया और फिर 1870 में इसे IPC में शामिल किया गया। भारतीय कानून संहिता यानी IPC की धारा 124A में देशद्रोह परिभाषा कहती है, कोई भी इंसान सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस कानून का इस्तेमाल ब्रिटानी सरकार ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया था। 1922 में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी पर देशद्रोह का केस दर्ज किया था। वजह थी उस दौर की सत्ता के खिलाफ लिखना, क्योंकि महात्मा गांधी एक अखबार जिसका नाम यंग इंडिया था उसमें सरकार के खिलाफ लिखा करते थे तो देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ दायर किया गया था। सो महात्मा गांधी यंग इंडिया अखबार लिखते थे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में साल 1908 में 3 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपने अखबार केसरी में 2 क्रांतिकारियों का बचाव करने और स्वराज का आह्वान करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 6 साल के लिए वर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया और साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जेल में रहने के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को लेकर उनके विचारों ने आकार लिया और साथ ही उन्होंने 4,000 पन्नों की किताब गीता रहस्यम भी लिख डाली। जब जेल से रिहा हुए तो होम रूल लीग की स्थापना की और नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इससे पहले भी उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर 2 बार मुकदमा चलाया जा चुका था। अब ब्रिटेन ने यह कानून अपने संविधान से हटा दिया है, लेकिन भारत के संविधान में ये विवादित कानून आज भी मौजूद है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे बेहद आपत्तिजनक और अप्रिय कानून बताया था। देश के कानून को लेकर संविधान में विरोधाभास है, क्योंकि हमारे संविधान में देशद्रोह कानून मीन्स IPC की धारा 124A तो है, लेकिन साथ ही साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) का अधिकार भी है, जिसे हम अपने मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। और अगर ये हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है तो फिर ये देशद्रोह कैसे हो सकता है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट सिलेक्शन IQ फॉर क्वालिटी कंटेंट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।